तो क्लास ट्वेल्थ का ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, तो इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये आता है तो इसको आप सोल्व कीजिए, तो मैं इसको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो इंटीग्रेशन है, ये लिखा है कि रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कोट एक्स, इन दोनों का इंटीग्रेशन करना है। मैं रूट टेन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो रूट चढ़ाए तो इसीलिए आ जाएगा रूट साइन एक्स, और आ जाएगा रूट साइन एक्स और रूट कोस एक्स। ऐसे इसका भी फॉर्मूला आएंगे तो हो जाएगा रूट कोस एक्स और डिवाइड में रूट साइन एक्स। अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो रूट रूट गुना होगा तो रूट ही रहेगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई जाएंगे तो रूट हो जाएगा साइन एक्स कोस एक्स। ये रूट वाला इससे गुना होगा तो रूट हट जाएगा तो सिर्फ बचेगा साइन एक्स। ऐसे ये अंडर रूट कोस एक्स इससे गुना होगा तो सिर्फ कोस एक्स आ जाएगा और डी एक्स। अब यहाँ पर आगे कैसे करें, इसमें बहुत दिक्कत हो रहा है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना है कि आपको लेट करना है। आपको साइन एक्स माइनस कोस एक्स इसको ना टी लेट करना है, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को हम ले लेंगे टी, इसको फिर टी मानने के बाद इसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स और डी एक्स, और फिर ये हो जाएगा आपका डी टी। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे इसका, तो ये जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर और बराबर टी स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और बराबर टी का स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा वन होता है, तो वन माइनस का टू साइन एक्स और कोस एक्स बराबर टी का स्क्वायर। ये जो टी स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो वन माइनस टी स्क्वायर, और ये उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा तो टू साइन एक्स कोस एक्स। अब ये दो डिवाइड में जाएगा तो वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड में दो बराबर हो जाएगा साइन एक्स और कोस एक्स का मान। तो ये वाला जो साइन एक्स कोस एक्स है तो इसकी जगह ये लिख देंगे, और ऊपर वाला साइन एक्स प्लस कोस एक्स की जगह और डी एक्स की जगह ये पूरा आ जाएगा डी टी। तो बन जाएगा ये हो जाएगा एक बटा, ये हो जाएगा डी टी, यानी ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स की जगह पे कंपेयर करने से डी टी आ जाएगा, और इसकी जगह आ जाएगा अंडर रूट ये साइन एक्स कोस एक्स। तो साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये वाली, तो ले देंगे वन माइनस टी स्क्वायर और बटे में दो, तो वन अपॉन में अंडर रूट ये हो जाएगा वन माइनस टी स्क्वायर, और ये जो दो है ना इस पर भी अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो अंडर रूट बाहर ले लेंगे और ये जाएगा डी टी। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे हम, तो एक फार्मूला आता है वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, तो फार्मूला आता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस सी। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा अंडर रूट टू, और ये है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह टी है तो ले देंगे टी अपॉन में ए की जगह वन प्लस सी, और टी का मान यहाँ पे वापस रख देंगे, तो टी हमने क्या माना था साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो अंडर रूट टू साइन इनवर्स टी, टी की जगह जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस सी, तो ये जाके हमारा आंसर आ जाएगा।